किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बीज ट्रीटमेंट से लेके और नर्सरी कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले जो नर्सरी करने का तरीका है वो हमें बीज को ट्रीट करना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर किस में कैसे करें बीज ट्रीटमेंट। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है ये है यूपी ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ठीक है। ये हम ब्लॉक से लेके आए, ये 100 रुपये का मिलता है, हर जगह ब्लॉक में 100 रुपये का होता है। तो ये है ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा में ट्रीट कैसे करना है, तो ये जैसे हमने टमाटर का सीड जो है ट्रीट किया हुआ है, चलो अब मैं आपको इसमें बैंगन का करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें आपको बैंगन का करके दिखाता हूँ। ये बैंगन का हमारा सीड है, हमने इसको एक पैकेट लगभग 10 ग्राम का होता है और एक पैकेट में 2000 सीड निकलते हैं बैंगन में, टमाटर में लगभग 3000 निकलते हैं 10 ग्राम में। तो इस हिसाब से आप देख लेना जितना आपका एरिया उस हिसाब से आप कर लेना। अब ये रहा सीड, अब इसमें हमको क्या करना, थोड़ा सा देना पानी का छींटा, ये हमने पानी ले लिया और इसमें ये देखो हमने हल्का से दे दिया, थोड़ा हमने पानी का छींटा दे दिया इसमें, इसको थोड़ा सा गीला कर दिया, ठीक है जी। ये हमने कर लिया इसको थोड़ा गीला, अब क्या करना है इसमें, ये ट्राइकोडर्मा का पाउडर है, अब ये थोड़ा सा इसमें ट्राइकोडर्मा, थोड़ा सा एक ऐसा अंदाजा कर लें कि सारे बीडों बीज जो हैं इनके ऊपर अच्छे से ये पाउडर चिपक जाए, इसीलिए हम थोड़ा इसको गीला करते हैं। ये ऐसे अच्छे से इसको मिक्स कर लो, देखो सारे बीज जो हैं इसमें देखो चिपकने लगा, ये अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लो कि कोई दाना ऐसा न रहे जिसमें ट्राइकोडर्मा का पाउडर न चिपके, इसीलिए इसको पहले गीला कर लेते हैं और उसके बाद अच्छे से ये इस तरीके से हम मिलाते हैं। अब आप ये देखोगे ये लगभग सारे बीजों में ये चिपक चुका है। अब चिपकने के बाद हमको क्या करना है, इसको आधे घंटे के लिए, ठीक है, आधे घंटे के लिए हमें इसको छांव में सुखाना है। छांव में सुखाने से क्या होगा कि ये जो अभी कुछ में देखो ये दो दो चार चार बीज जो चिपटे हुए ये पाउडर में चिपके हुए, तो ये जैसे ही मॉइस्चर इसका थोड़ा सा ख़त्म होगा तो सूख जाएगा छांव में। इसको धूप नहीं लगानी, अगर धूप में आप डालोगे तो ये सीड जर्मिनेशन नहीं आएगा, आप ये याद रखना। अगर आपने ट्रीट करने के बाद धूप लगा दी तो जर्मिनेशन नहीं आना है, तो इसलिए इसमें आपको धूप नहीं लगानी है। इसको इसी तरीके से छांव में इसको ऐसे फैला के रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में इसमें हवा लग जाएगी और ये पाउडर सूख जाएगा, उसके बाद ये एक एक दाना थोड़ा सा आप ऐसे करके मच लोगे तो ये एक एक दाना अलग हो जाएगा। जैसे ये देखो हमने टमाटर का कर रखा है, इसको लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं, अब ये एक एक सीड लगभग ये अलग हो गया है, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका बीज का ट्रीटमेंट, बीज को आपको कैसे ट्रीट करना है तो आपको मैंने बता दिया कि बीज को आपको इस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी
बुवाई का तरीका। ये मैंने देखो अलग अलग सारे कर लिए। अब आप देखो नीचे नीचे जमीन में देखो, ये एक एक बीज अपनी अपनी दूरी पे गिर रहा है। इस तरीके से आपको जो है बुवाई करनी है। अगर आप लाइन खींच के करोगे तो उसमें समय बहुत लगता है, और मकसद हमारा होता है दूरी का। तो दूरी का और ये जो बीज है अच्छे से ज़मीन के अंदर चला जाए और अच्छा सा जर्मिनेशन हो। ये आप देखो अब इसकी दूरी, ये पौधे पे पौधा नहीं रख रहा, ये जर्मिनेशन बहुत अच्छा आने वाला। ऐसे सिंगल आपने थोड़ा थोड़ा पहले मार दिया, पहले सिंगल ले लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये मैंने सिंगल बुवाई कर दी, अब मैं इसमें डबल जा रहा हूँ। ये हमारी एक वैरायटी इंडस वाली साइड है, ये आप देख सकते हो। तो मैंने इसमें देखो पार्टीशन दिया है, उधर हमारा 28-53 लगेगा, ये इस तरीके से आपको उला उला के डालना, क्यों तो ये एक साइड नहीं करेगा। इस तरीके से मुट्ठी ले ली आप, इस छटने की तरह, छटने की तरह आप इसको ऐसे हिलाओ तो ये आपका एक एक बीज अलग गिरेगा। ये देखो ऐसे हिलाओ आप छटने की तरह, जैसे थ्रेसर का छटना हिलता है इस तरीके से। ये देखो अब ये नीचे जमीन पर देखो सीधे सारा बीज बखरा हुआ है अलग। अब मैं दूसरी वैरायटी से हमें ये मिट्टी में मिक्स कर देना, ये मिक्स कर देना है इस तरीके से, ये सारा मिक्स हो जाएगा। मिट्टी मारते जाओ, हाथ मारते जाओ। अब आप लोग इसमें ये देख के कह रहे होगे कि मैंने बेड क्यों नहीं बनाई। तो बेड मैंने इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि हमारा जो ये थोड़ा कोना है खेत का, ये ऊंचा है टैपर। तो टैपर होने के कारण क्या है कि जब पूरा खेत हमारा भर जाएगा तब भी इस कोने में पानी नहीं रुकेगा। तो इसलिए मुझे बेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा हाइट लेने की, क्योंकि हाइट का मुख्य उद्देश्य होता है पानी की निकासी, जल निकासी। तो वो हमारी है इसमें ऑलरेडी। तो इस तरीके से क्या है, हमें बीज मिलाना है जो कि थोड़ा मिट्टी की गहराई में चला जाए इस तरीके से। अब आप ये पीछे देखते हैं तो ये सारा हमारा बीज जो है इसमें मिक्स हो चुका है मिट्टी में। ये मिट्टी में जो मिक्स हो रहा है, इस तरीके से आपको इसे मिट्टी में मिक्स कर देना। अब मिट्टी में मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जो है आपको सड़ी हुई गोबर की खाद या आपके पास बर्मी कंपोस्ट हो तो उसको और थोड़ा डाल लो, और डालने के बाद इस पे आप जो है पानी दे देना। ये इस तरीके से पूरा आपको कर देना। इसमें जब ये कर लेंगे तो पानी का गोबर का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। गोबर की खाद का, गोबर की खाद की लेयर डाल के, सड़े हुए गोबर की खाद ये लेयर डालने के बाद आपको इस तरीके से ये पानी देखो किस तरीके से दिखा।
आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो है बैंगन के पौधे क्यों हैं, तो हमारे खेत का मैंने कहा था ये कोना ऊंचा है, तो इस वजह से जो है हमने इसमें बैंगन के पौधे निकाले नहीं हैं और ये इसी में नर्सरी डाल दी, क्योंकि नर्सरी जो है 20-25 दिन में हमारी रेडी हो जाएगी, तब तक बैंगन का पौधा छोटा ही रहेगा, थोड़ा सा 1-1.5 फुट बढ़ेगा, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो भी हमने लागत लगाई है इसमें वो हमारा बैंगन का पौधा भी ग्रो हो जाएगा, इसलिए हमने ये जो है बेड बैंगन के पौधे के अंदर ही बना दी है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके आप भी कर सकते हैं, और आपको जो पानी देना है वो या तो हजारा जो आता है ना उससे देना है, और नहीं तो इस तरीके से जो स्प्रे मशीन आती है उससे आप आराम से दे सकते हो, जिससे ये नम हो। ऐसा नहीं आप मोटा पानी इसमें देते हो तो ये गड्ढे बना दे जगह जगह, वो नहीं देना, बहुत ज़्यादा नमी नहीं देनी, नमी उतने ही देनी है कि इसमें मॉइस्चर बना रहे, जिससे हमारा सीड केवल फूल जाए, मकसद ये नहीं उसको फिर गला दें, केवल फुलाना होता है, इसकी गर्मी निकल जाएगी और हल्की सी इसमें नमी हो जाएगी। और पानी हमेशा इसमें जो देना है वो शाम के समय देना है, क्योंकि अब इसमें रात भर नमी बनी रहेगी तो जर्मिनेशन अच्छा आएगा और इसकी नमी टूटे नहीं। शाम के टाइम आप इसमें जो है जरूरत के हिसाब से पानी दे दें। तो ये नर्सरी का पूरा वीडियो था जो आप लोगों की बड़ी डिमांड आ रही थी, तो सर किसी तरीके से आप बनाओ, तो ये नर्सरी का वीडियो था। अगर ये पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।